तो देखिए इस वक्त जो है बहुजन समाज पार्टी की बहुजन राज यादगार यात्रा मुरैना जिले की दिवनी विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गई है और पूर्व विधायक बलवीर सिंह डंडोतिया जो है बसपा प्रदेश अध्यक्ष जी का जो है स्वागत करने का काम कर रहे हैं। उनके साथ तमाम समर्थक हैं। वहीं युवा जिला अध्यक्ष दीपेंद्र बोध भी उनके साथ जो है लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। साथ में पूर्व विधायक सोनीराम कुशवाहा जी भी हैं जो कि जौरा विधानसभा से आते हैं और जगह जगह जो है प्रदेश अध्यक्ष जी का जो है स्वागत किया जा रहा है। देखिए बच्चा बच्चा भीम का और कांसी राम की टीम का। देखिए इस वक्त बहुजन राज अधिकार यात्रा जो है प्रदेश अध्यक्ष जी के गृह ग्राम में पहुंच चुकी है और देखिए गृह ग्राम में बसपा प्रदेश अध्यक्ष का जो है धमाकेदार स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए फूल बरसाए जा रहे हैं, माला पहनाई जा रही है। तो ये बसपा प्रदेश अध्यक्ष का गृह ग्राम है जहां पर उनका जो एक जोरदार स्वागत ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में ओबीसी समाज को 27% नहीं मिला और देश का संविधान खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में है। उसको बचाने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाने के लिए और अपने भाइयों को बहनों को समझाने के लिए ये बहुजन राज अधिकार यात्रा शुरू की गई है। तो सारीपुत्र बौद्ध विहार पर जो है आज की सभा पहुंच चुकी है और यहीं पर इसका समापन होगा। चलिए तो थोड़ा सा अंदर की तस्वीरें और दिखाता हूँ मैं आपको। ये इस वक्त यात्रा पहुंच गई है सारीपुत्र बौद्ध विहार अंबेडकर नगर और यहाँ पर जो है आज इसका समापन होने वाला है। देखिए विधायक जी भी सुबह से लगातार चल रहे हैं, बुजुर्ग जरूरी है लेकिन युवा थक रहे हैं, ये नहीं थकने वाले बिल्कुल भी। बदनामी मंत्री जी, दिवनी विधानसभा में आज इस यात्रा का बहुजन राज अधिकार यात्रा का समापन हो गया है। यहाँ पर सारीपुत्र बुद्ध विहार जो अंबेडकर नगर है जहाँ पर भंते धम्म ज्योति जी का निवास है उस बुद्ध विहार में आज इसका समापन हुआ है। लोगों को जो भोजन दान दिया गया है विधायक जी के द्वारा और सभी लोग भोजन ग्रहण करते हुए और ये आखिरी है और कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और पूरा दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम एक नई विधानसभा में पहुँचेंगे।